उधम सिंह नगर में समान नागरिक विधेयक को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता विधेयक पेश किया जा रहा है। इसी क्रम में शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उधम सिंह नगर जनपद पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया। उन्होंने कहा किसी भी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन ना करें और शांति व्यवस्था बाधित ना करें। इसको देखते हुए जनपद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं पूरे जिले में सभी संवेदनशील क्षेत्र को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था। अब उन क्षेत्रों में पुलिस पीएसी और आरटीसी सहित खुफिया विभाग की टीम को भी तैनात किया गया और किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रपुर से संवाददाता मुकेश मंडल की रिपोर्ट। और संपूर्ण जिले का पुलिस अलर्ट मोड में है और समस्त थाने के पुलिस जो है नाइट पास को हमने कैंसिल करते हुए सबको बैरक में निवास कर रखा है। वो रेडी टू मूव हालत में है, जो QRT के रूप में सभी असलाबंद है, वेपन्स हमारे ऑडिट हो गया है। तो इस प्रकार मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से जो विधानसभा में और एक विधेयक के रूप में आ रहे हैं UCC, इस प्रक्रिया में कोई कानून को अपने हाथ में लेने का या अराजकता करने का कोशिश करेंगे तो पुलिस बल समस्त जो है सभी रहे हैं, अभी सभी सतर्क है और सारे आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे।